हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एड यू लव माइंड। तो आज का हमारे आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 23, साइंस क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है लाइट। आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है दैट गिव्स अस एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं। इतनी सुंदर दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है। ये दुनिया सोचिए हम अपनी आई से तो देख पाते हैं, आईज नहीं होती तो क्या हाल है। सुबह रात में कैसा अंधेरा अंधेरा सा होता है, कुछ भी नजर नहीं आता। तो अगर हमारे लिए लाइट ना हो, आईज ना हो, तो मैं दुनिया को देखना, इतनी सुंदर कलर को दुनिया देखना संभव ही नहीं होगा। तो जो हमारी बॉडी है उसमें आई कैमरे का काम करती है। लेट अस नो कैसे आई के बारे में जानते हैं, एक डायग्राम देख के चलते हैं। रेटी देखिए, ये अपनी आई की पिक्चर है। लाइट यहां से एंटर करती है, पिपल दिख रहा है ना, ठीक है। ये कॉर्निया है, स्क्लेरा, आइरिस, ये आइरिस है, दिख रहे होंगे पिक्चर को दिखा रखा होगा। दिस इज कॉर्निया और ये है लेंस। यहाँ पे लेंस होता है, लेंस है ये। लाइट यहां से पार होती हुई लेंस से होती हुई रेटिना में पड़ती है। दिस इज ऑप्टिक नर्व। नर्व क्या होता है, ये मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ से नर्व होती है, ये ब्रेन तक कहीं ब्रेन तक जो है ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। और ये रेटिना कहलाता है, पूरा रेटिना है। जब इमेज यहाँ पड़ती है तो इमेज जो बनती है उनकी बनती है, जिसको ब्रेन इंटरप्रेट करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज है तो ऐसी है, तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से बनेगी रेटिना की। फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता तो चीज हमें सीधी दिखाई देती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। आई हैव अ रफली स्फेरिकल स्फीयर। स्फीयर टाइप की थोड़ी सी शेप होती है इसकी, स्फीयर जैसा होता है, स्फीयर यानी गोले की तरह, है ना। आउटर कोट ऑफ आईज इज व्हाइट। आउटर कोट दिखा हुआ व्हाइट होता है। इट इज अ टफ एंड कॉल्ड स्क्लेरा। जो व्हाइट कलर होता है वो स्क्लेरा होता है। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉर्निया। जो फ्रंट पार्ट है ट्रांसपेरेंट वो कॉर्निया कहलाता है। द मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। एक मसल स्ट्रक्चर होता है, मसल्स होती है, आईरिस कहलाती है वो, ठीक है। द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आईज इज ड्यू टू आईरिस। जो आईज का डिस्टिंक्टिव कलर्स होते हैं ना, आईरिस की वजह से ही होते हैं। इट मे बी ब्लैक, होता है ना ब्लैक कलर की आईज, ब्राउन आईज, ब्लू आईज, ग्रीन आईज, ये जो कलर होते हैं, कह रहा है ना डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आईज, तो किसकी वजह से होती है, आईरिस की वजह से। तो आज आपको पता चल गया होगा आईरिस जो आंखों के कलर होते हैं क्यों अलग अलग होते हैं। इन दिस इन द आईरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पिपिल। छोटा सा ओपनिंग है आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको पिपिल कहते हैं। द साइज ऑफ पिपिल इज रिड्यूसेस। जब लाइट ज्यादा होती है तो ये छोटा हो जाता है, और लाइट जब कम होती है, डिम लाइट होती है, तो बड़ा हो जाता है। देखिए अचानक आप बैठे और अचानक तेज लाइट में बाहर चले गए तो क्या होता है, आंखें छोटी हो जाती है। वो यही बता रहा है कि साइज जो है छोटा हो जाती है। और जब अंधेरे में एकदम से अंधेरे कमरे में आप घुसते हैं तो आंखें आप कभी नोट कीजिएगा बड़ी हो जाती है, खुल जाती है। क्यों क्यों हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट ना हमारी आंखों में पड़े और हमें चीजें दिखाई दे। एकदम से अंधेरा सा नजर नहीं आता, हम अंधेरे से उजाले में या उजाले से अंधेरे में जाते थे, एकदम से ब्लैक सा होता है। वजह यही होती है, आप अंधेरे से उजाले में जाएंगे तो एकदम से बहुत सारी लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी, और उतनी लाइट को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, आइरिस को, पिपिल को, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल होता है एकदम के लिए, आंखें क्या होते हैं बोलते चौंधिया आ गई, बोलते हैं कि नहीं, हाँ, तो वही है ये। तो कहे कि ये कंट्रोल कौन करता है, जो साइज पिपिल का छोटा बड़ा होना ये आइरिस कंट्रोल करती है, छोटा करना बड़ा करना। तो दिस साइज जो आइरिस कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट, अगर बोले तो सीधी सी बात है कि अंधेरे में जब ज्यादा अमाउंट चाहिए लाइट की तो आईरिस उसको रिलैक्स बड़ा कर देती है, पिपिल का साइज बड़ा कर देती है। लाइट में जाओ बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हो तो पिपिल का साइज छोटा हो जाता है वो, क्योंकि हमें ज्यादा लाइट की उसमें जरूरत नहीं होती, जितनी जा रही लाइट आती है उतनी ही इनफ होती है। तो बिहाइंड पिपिल, पिपिल के पीछे जो आई में पिपिल है इसके पीछे क्या होता है, लेंस होता है, और वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। कॉन्वेक्स शेप कैसा होता है बेटा, इस तरह का शेप होता है, ये उभरा हुआ शेप होना चाहिए, दिखा भी रखा है, लेकिन मैं फिर भी बना के इस तरह से बना देती हूँ कि ये ऐसा शेप होता है। कॉन्वेक्स किसे बोलते हैं, बीच से मोटा किनारों से पतला, ठीक है। लेंस फोकस
लाइट ऑन बैक ऑफ द आई ऑन स्क्रीन, जो भी लेंस है तो ये लाइट जब आती है तो ये इसको जो है रेटिना पे डालता है। तो रेटिना पीछे होता है, स्क्रीन बोलते हैं इसे। रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें दो तरह के सेंसिटिव सेल्स हैं, एक रॉड सेल्स है, रॉड सेल्स रॉड की तरह वो डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और कोन सेल्स कलर के प्रति होते हैं, ब्राइट लाइट और कलर के पीछे, ठीक है। सी फॉर कलर, सी फॉर कोन सेल्स, यानी कलर जो हमें कोन सेल्स की वजह से दिखते हैं, सीधी सी बात है। इनमें प्रॉब्लम आती है तो समझ लीजिए कलर में प्रॉब्लम आएगी, कलर देख नहीं सकते, डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाउ ऑप्टिक नर्व, मैंने बताया कि रेटिना अब ब्रेन से तक मैसेज पहुंचाना है, कोई चीज आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आपको जितनी आसपास चीजें दिखाई दे रही है, कोई डब्बा है, दीवार है, आदमी है, पेड़ है, पौधे है, ये सब कैसे पता चलता है? ब्रेन ही तो मैसेज भेजता है, यानी कोई ना कोई नर्व होनी चाहिए जो ब्रेन से कॉन्टेक्ट होनी चाहिए, तो उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व, और जहां से कॉन्टेक्ट होती है वो ऑप्टिक डिस्क कहलाता है। तो ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द सेंसेशन इमेज, मतलब जो इमेज होती है वो नर्व जो है सिग्नल के रूप में भेज देता है ब्रेन तक, और एट द जंक्शन ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर इज नो सेंसरी सेल्स, वहां पे कोई सेल नहीं होती है तो वहां पे कोई विजन भी नहीं बनता, यानी कि अगर बोला जाए तो उसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, वहां पे कोई इमेज नहीं बनती, और इमेज नहीं बनेगी तो हम वहां पे कोई चीज को नहीं देख सकते, यानी लाइट अगर वहां पड़ती है तो कोई इमेज नहीं बनती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आईज के बारे में, ह्यूमन आईज कैन डिफरेंशिएट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर को हम डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमारी आईज कितनी अनोखी है, क्या ये पता था आपको? 10 मिलियन डिफरेंट कलर को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ह्यूमन आई ब्लिंक्स 17 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 17 बार आप झपकी मारते हैं, पलके झपकती हैं आपकी, और एक साल में इतना होता है, ठीक है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर आईज ओपन, और ये भी है कि आंखें खुली रख के छींकना बड़ा इम्पॉसिबल, करके देखिएगा जब भी छींक आती है आंखें बंद हो जाती है, क्यों? सोचने वाली बात है ना, तो आंखें खुली रह के छींकना इम्पॉसिबल है। तो वाइल अ फिंगरप्रिंट हैज 40 यूनिक कैरेक्टर्स, आईज हैज 256 यूनिक कैरेक्टर होते हैं। फिंगरप्रिंट में जो होते हैं ना 40 यूनिक कैरेक्टर होते हैं, यूनिक मतलब किसी भी और में एक हाथ के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसी प्रकार से आईरिस में 256 यूनिक कैरेक्टर होते हैं, यानी अगर जो बोलते हैं ना कि वो 5 उंगलियों 10 उंगलियों की ले लिए फिंगरप्रिंट, साथ में आंखों का भी लेते हैं आईरिस का, है कि नहीं, आधार कार्ड वगैरह में लिया होगा, क्योंकि उसमें 256 यूनिक कैरेक्टर होते हैं, एक की आंखें दूसरे से मैच नहीं होती है। ऑयली फिश विटामिन ए विटामिन सी हेल्प टू प्रिजर्व गुड आईसाइट, अगर ऑयली फिश खाते हैं विटामिन ए विटामिन सी, जिसकी वजह से आईसाइट बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। 6x6 विजन जो होता है सबसे बेस्ट विजन होता है नॉर्मल आई के लिए, ठीक है, जो कि आप बोलते हैं ना कि 25 सेंटीमीटर या 6 मीटर जो है नॉर्मल डिस्टेंस आप देख सकते हैं, तो 6x6 की विजन सबसे बेस्ट होती है, आईज यानी 6x6 होती है। अगर ये कम होता गया 6x12 हो गया 6x9 हो गया, तो इसका मतलब आपको स्पेक्स चश्मा लगेगा, पावर कमजोर है। चलिए क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम टू टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना एंड राइट देयर फंक्शंस। तो दो तरह के नर्व सेल्स कौन कौन सी हैं? रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। और रॉड सेल्स किस लिए होती है? सेंसिटिव होती है डिम लाइट के लिए, और कोन सेल्स होती है ब्राइट लाइट और कलर के लिए, ठीक है, वो लाइट के लिए हो गया या कलर के लिए, ध्यान रखना है आपको ना। What happens to the pupil of eyes when bright light falls on eyes? Eyes पे जब ज्यादा आंखें लाइट पड़ जाए तो क्या होता है? When bright light falls on the eyes, the size of pupil, ठीक है, size of pupil, इसको ठीक कर लीजिए, reduces, मतलब जो इंटेंस लाइट आती है बहुत ज्यादा आती है तो पिपिल का साइज जो है रिड्यूस हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरना है आपको। लेंस फोकसेस द लाइट ऑन द बैक ऑफ आई ऑन द लेयर इज कॉल्ड, देखिए जो लेंस होता है लाइट को फोकस करता आई के पीछे, कहां कर रहा था हमने यहां पढ़ा था, ये देखिए ये पढ़ा था, कहां करता है? रेटिना पे, ठीक है, तो वहां आंसर क्या आएगा? रेटिना।
retina. The distinctive color of eyes is due to, जो आईज के अलग अलग कलर हैं, वो किस वजह से होते हैं, हमने यहां कहीं पढ़ा था, चलिए दिखाते हैं हम आपको डिस्टिंक्टिव कलर आईज के, आईज के डिफरेंट कलर्स किस वजह से होते हैं, हमने कहा पढ़ा था, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, कलर करके दिखाते हैं हम आपको कि ये पढ़ा था हमने कि देखिए डिस्टिंक्टिव कलर आईज के किस वजह से होते हैं, आयरिस की वजह से, जो ब्लैक ब्राउन ग्रीन कलर है तो किसकी वजह से होते हैं ये, आयरिस की वजह से, तो यहाँ पे क्या आएगा, आयरिस, ठीक है. द स्पॉट एट विच नो विजन इज पॉसिबल, उस स्पॉट को क्या कहते हैं, तो अभी तो जस्ट पढ़ा था जहां पे विजन नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, यानी पे वहां पे कोई विजन नहीं बनती है उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट. फिर क्या है, डैश कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आईज, किस वजह से आईज के अंदर जो लाइट कंट्रोल होती है, तो ये भी तो हमने पढ़ा था. यस इट कंट्रोल, ये है ना आयरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, तो कौन कंट्रोल करता है, आयरिस कंट्रोल करता है, तो यहां क्या आएगा, आयरिस आएगा, ठीक है, तो यहां आयरिस आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, तो द इमेज वी सी आर मेड अप ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और वो हमारी आईज में आती है, हम उसे देखते हैं, जब लाइट एंटर करती है हमारी आईज में, कॉर्निया के थ्रू जाती है और हमारा कॉर्निया विंडो की तरह काम करता है और एट द फ्रंट ऑफ आई, और जो लाइट ऑफ आई एंटर करती है हमारी आईज में वो कंट्रोल होते हैं पिपिल के द्वारा, और इसी तरह से और पिपिल के द्वारा कंट्रोल होती है और जिसको आईरिज मेन कंट्रोल होता है और हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं द इमेज, इसमें और जोड़ सकते हैं द इमेज इज फॉर्म ऑन द, ठीक है, रेटिना इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है और साथ में रेटिना पे फॉर्म होती है और साथ में क्या बनती है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं ऊपर से तो प्रॉपर लाइन नहीं मिलेगी, चलिए द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना एंड वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, चलिए हम ही थोड़ा सा लिख देते हैं. इस तरह से ये पूरी वर्कशीट फिनिश होती है. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी. देखिए पूरी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 3 का आंसर आपके सामने है. तो आप बताइएगा कि जो बेस्ट आईज होती है, जो गुड आईसाइट होती है, वो कितनी विजन, क्या होता है उसका, ठीक है, गुड आईसाइट कितनी होती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा. साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग.